दोस्तों, फिल्मी दुनिया की तरह टीवी इंडस्ट्री में भी शुरुआती दिनों से लेकर अब तक चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जिनमें से कुछ अपने शरारतीपन की वजह से दर्शकों के दिलों में छा गए, तो वहीं दूसरी तरफ किसी की मासूमियत ने लोगों को उनका दीवाना कर दिया। इसलिए तो कई बार ये चाइल्ड आर्टिस्ट सीरियल के लीड एक्टर्स को भी पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, वक्त के साथ साथ ना टीवी के ये नन्हे मुन्ने और प्यारे प्यारे बाल कलाकार बहुत ज्यादा बदल गए हैं। इतने बदल गए हैं कि शायद आप इन्हें पहली नजर में आप देख कर पहचान भी ना पाए। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ चुनिंदा चाइल्ड आर्टिस्ट से रूबरू करवाएंगे जो बीतते समय के साथ साथ काफी ज्यादा बदल गए हैं। तो देर न करते हुए चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि कौन से हैं वो नन्हे मुन्ने बाल कलाकार। नंबर एक, श्वेता प्रसाद। जी हाँ, अभिनेत्री श्वेता प्रसाद तो वही चाइल्ड आर्टिस्ट है जिन्हें आपने साल 2003 में आए लोकप्रिय धारावाहिक करिश्मा का करिश्मा में स्वीटी का किरदार अदा करते हुए देखा था। बता दें कि स्वीटी का किरदार में नजर आई ये बाल कलाकार आज अपनी 30 साल की उम्र पार कर चुकी हैं और अपनी 30 साल की उम्र में पहले से काफी ज्यादा बदली हुई दिखती हैं। जैसे कि आप इनकी तस्वीरों में भी साफ साफ देख रहे हैं, जिनके ड्रेसिंग सेंस से लेकर इनके लुक में भी काफी बेहद ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। इसी वजह से लोग इन्हें पहली नजर में पहचान पाने में धोखा खा जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि टीवी इंडस्ट्री की ये चाइल्ड आर्टिस्ट रोहित मित्तल के साथ शादी कर सात बंधन में बंध चुकी हैं और साथ ही मुंबई में सेटल्ड रहकर जहां इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा है, जो कि हमें कुछ समय पहले ही वेब सीरीज जामुन में चेतना का किरदार निभाती हुई नजर आ चुकी हैं। नंबर दो, झनक शुक्ला। नन्ही मुन्नी सी और प्यारी इनोसेंट से चाइल्ड आर्टिस्ट झनक शुक्ला ने सोनपरी और करिश्मा का करिश्मा जैसे कई सीरियल्स को अपनी मासूमियत से इंटरेस्टिंग बनाते हुए दर्शकों के दिलों पर राज किया है। लेकिन पढ़ाई पर फोकस करने की वजह से इन्होंने एक्टिंग की दुनिया को छोड़ दिया था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह चाइल्ड आर्टिस्ट इन बीते सालों में आज काफी बड़ी हो गई हैं और पूरी 25 साल की उम्र में इन्होंने अपने हेयर स्टाइल से लेकर ड्रेसिंग सेंस में काफी ज्यादा बदलाव कर लिया है। हालांकि इनके चेहरे पर आज भी वही सिग्नेचर स्माइल बरकरार है, लेकिन आज ये पहले से काफी फैटी नजर आती हैं, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। वहीं बता दें कि वर्तमान में भी ये इंडस्ट्री से दूर ऑर्थोलॉजी की फील्ड में अपना करियर बनाने की तैयारी कर रही है, जो की आज भी सिंगल है और अपनी फैमिली के साथ मुंबई में सेटल्ड है। नंबर तीन, स्पंदन चतुर्वेदी। टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय धारावाहिकों में से एक उड़ान में चकोर का दिलचस्प किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीतने वाली चाइल्ड आर्टिस्ट स्पंदन चतुर्वेदी बीते सालों में काफी बदल गई हैं और चार सालों से करीब 13 साल की उम्र ये पार कर चुकी हैं। पहले से काफी ज्यादा बड़ी होने के साथ साथ ये काफी क्यूट और गॉर्जियस भी नजर आने लगी है, जैसे की आप इनकी तस्वीरों में भी देख पा रही होंगे। जहाँ ये शो में फ्रॉक पहने हुए नन्ही सी और क्यूट सी नजर आती थी, तो वहीं आज उनका स्टाइल स्टेटमेंट देखने लायक है। वहीं आपको बताते चले कि वर्तमान में ही अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई में सेटल्ड हैं, जिन्होंने मुंबई में रहते हुए आज भी अपनी फील्ड में अपना नाम बनाया हुआ है, जो हमें पिछले ही साल शकुंतला देवी फिल्म में दिखाई दे चुकी हैं और अब ये जल्द ही RRR फिल्म में भी दिखाई देने वाली हैं। नंबर चार, तन्वी हेगड़े। आज से लगभग 19 साल पहले टीवी पर बेहद पॉपुलर शो आया था सोनपरी, जिसमें फ्रूटी नाम की प्यारी सी बच्ची का किरदार निभाती हुई नजर आई थी अभिनेत्री तन्वी हेगड़े, जो कि इस किरदार के साथ साथ दर्शकों की फेवरेट भी बन गई थी। वहीं आपको बताते चले कि आप सभी की फेवरेट फ्रूटी आज अपनी 29 साल की उम्र पार कर चुकी है और पहले से काफी ज्यादा अलग नजर आती है, जिनको पहली नजर में पहचान पाना काफी मुश्किल सा लगता है। हालांकि लुक्स के मामले में तो ये काफी बदल गई है, लेकिन आज भी इनके फेस पर वही सिग्नेचर स्माइल कंटिन्यू है जो पहले हुआ करती थी, जैसा कि आप इनकी तस्वीरें भी साफ बयां कर रही हैं। वहीं आपको बताते चले कि पहले की तरह आज भी ये सिंगल हैं और अपने पेरेंट्स के साथ ही मुंबई में सेटल्ड हैं और फिलहाल ही पिछले 2 सालों से एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं, जिन्हें लास्ट टाइम शिवा फिल्म में देखा जा चुका है। नंबर पांच, इशिता पांचाल। टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर शो उत्तरण में तपस्या का दिलचस्प और इंटरेस्टिंग किरदार निभाकर मशहूर होने वाली चाइल्ड आर्टिस्ट इशिता पांचाल की आज के बारे में बात की जाए तो बता दें कि चाइल्ड आर्टिस्ट बीते सालों में काफी बदल चुकी हैं और 22 साल की उम्र में बेहद ज्यादा गॉर्जियस नजर आती हैं, जैसे कि आप इनकी तस्वीरों में भी साफ साफ देख ही पा रहे होंगे। जिनके ड्रेसअप ने इन्हें और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और गॉर्जियस बना दिया है। साथ ही साथ ओपन हेयर के साथ लोग इन्हें पहली नजर में पहचान पाने में धोखा खा जाते हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले दोस्तों कि वर्तमान में भी ये सिंगल हैं और अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई में सेटल्ड हैं, जो कि फिलहाल उत्तरन सीरियल के बाद से ही एक्टिंग दुनिया से दूर हैं। लेकिन एक्टिंग की दुनिया में वापसी यानी कि कमबैक करने के लिए ये अक्सर चर्चाओं का हिस्सा बनी रहती हैं। नंबर छह, स्पर्श खानचंदानी।
उत्तरण सीरियल की दूसरी नन्ही मुन्नी और इनोसेंट प्यारी सी बाल कलाकार यानी कि चाइल्ड आर्टिस्ट स्पर्श खान चंदानी ने इच्छा का किरदार निभाते हुए बेहद ही कम समय में खुद को एक अलग पहचान दी थी। लेकिन आपको बताते चलें कि सीरियल की ये छोटी सी इच्छा आज 20 साल की हो गई है और पहले से बेहद गॉर्जियस और स्टाइलिश नजर आती है, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों के जरिए भी साफ साफ देख पा रहे होंगे, जिनका हर एक ड्रेस अप इनके हर एक लुक को अलग बना देता है। लेकिन वही इनकी प्यारी सी स्माइल और मुस्कुराहट देखकर आज भी लोग चुटकियों में ही पहचान जाते हैं कि वही तो मासूम से इच्छा है जो हमें उत्तरण सीरियल में दिखाई दी थी। वहीं आपको ये भी बताते चले कि फिलहाल ये सिंगल हैं और अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई में रहते हुए आज ये अपने एक्टिंग करियर में फोकस कर रही हैं, जिन्हें कुछ समय पहले ही विक्रम बेताल की रहस्य गाथा में देखा जा चुका है। वेल तो दोस्तों, टीवी के इन नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों में से आप किस कलाकार को पहली नजर में पहचान पाने में असफल रहे, आप सच्ची सच्ची ना उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉप न्यूज़।